तेंदुआ भी मेरे को दिख चुका है, जिसने भाई बिल्कुल, और मेरे को बंदा दिख चुका है, क्या कर रहा था साले, सीमेंट चाट रहा था क्या दीवारों का, उसका गेम बजा देंगे। आजा बेटे आजा आजा चुके हैं, तो यहाँ पे विशाल को पार करते हैं, पार करने की जरूरत नहीं पड़ी भाई। तो भाई साहब स्वागत है आप सभी लोगों का माल धाड़ चड्डी फाड़ गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से प्ले करने जा रहे हैं सर्वाइवल फायर बैटल ग्राउंड 2, और उसके अंदर अपन लोग पूरे गुन्नी स्किल करने वाले हैं। क्या बात करते हो, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना गाइस, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और फिलहाल अपन लोगों ने फैक्ट्री के यहाँ पे एक बेयर हाउस बना हुआ है, तो उसके बाहर अपन लोगों ने पैराशूट लेकर जंप मार दिए। अच्छा। तो जल्दी से गन को ढूंढते हैं भाई साहब बंदों का सुसु निकालने के लिए। और फिलहाल मेरे को M16 गन मिल चुकी है, और एक तेंदुआ भी मेरे को दिख चुका है, जिसने भाई बिल्कुल रेड कलर करवा रखा है अपने सिर के ऊपर, तो उसका भी मैंने पार्ट निकाल दिया है। अब चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट बंदे को ढूंढने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक और चीज बड़ी हुई थी गाइस, यहाँ पे अपने को शॉर्ट गन मिल चुकी है और उसकी एमओ भी मिल चुकी है, तो जल्दी से उनको उठाते हैं और सामने की तरफ जो थार दिख रही है उसके अंदर बैठते हैं। और अब चलते हैं भाई साहब अपने तेंदुओं को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे पीछे की तरफ सूरजमुखी के फूल उगे हुए थे, तो उनको भी मैंने दोबारा से तोड़ दिए हैं। अबे साले, ये तो भाई साहब मेरा रोज का काम है साले तू। और भाई ये बिल्कुल ही ये जो थार है ना, तो भाई ये बार बार मैं पलटी मार जाती है छोटी छोटी बात पर, जैसे मुगेम्बो खुश हो जाता है ना छोटी छोटी बात पर, तो भाई साहब वैसे के वैसे ही पलटी मार जाती है छोटी छोटी बात पर। और सामने की तरफ मेरे को एक मुर्गा दिख चुका है जो कि हाईवे क्रॉस कर रहा है। डट जा भाई, गाड़ी से तो निमर रहा, लेकिन अब भाई गन से नहीं बचने वाला बेटे तू, रुक जा बेटे रुक जा। और फाइनली बंदे की भी मैंने यहीं के यहीं पे पेटी बना दी है, और जल्दी से अपनी थार के अंदर बैठते हैं। और गाइस मेरे को फैक्ट्री के दूसरी तरफ बंदे दिखा रहे हैं, तो जल्दी से चलते हैं और उनका भी बिल्कुल ही सुअर बत है, सालों को मार मार के लतेड़ लतेड़ के पटक पटक मारूंगा। अरे गाइस फिर से पलटी मार गई, मैंने बोला था ना गाइस की बार बार में पलटी मारती है, और मेरे को बंदा दिख चुका है, क्या करा था साले, सीमेंट चाट रहा था क्या दीवारों का, भाई प्लास अब नहीं करवा रखा था ना, तो भाई सीमेंट चाट रहा था ये। और एक और बंदा मेरे को दिख चुका है गाइस, दो बंदे भाई, दो बंदे, एक तो एक ने तो मतलब दूसरे बंदे को लपेट दिया और मैंने इसको लपेट दिया, तो भाई यहाँ पे दो पेटियां बन चुकी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, एक तो अपन ने लतेड़ दिया और दूसरे इसी बंदे ने दूसरे को लतेड़ दिया, तो भाई अपने को यहाँ से इसकी पेटी में हेल्थ किट मिल चुका है, और जल्दी से उसको उठाते हैं। और यहाँ पे क्या है भाई, ये कौन से लेवल का, अरे भाई साहब अपने को लेवल 3 का बैग मिल चुका है। अब जल्दी से चलते हैं सामने की तरफ, भाई मेरे को एक और बंदा दिखा रहा है, तो जल्दी से उसको भी लतेड़ते हैं साले को। आस पास ये गाइस घर के आस पास ही ये बंदा अपने को कभी भी लथेड़ सकता है, लेकिन अपन ही लोग ज्यादा चांस यही है कि अपन लोग ही लथेड़ेंगे उसको। अरे रे रे भाई, ये तो सस्ता शक्तिमान बनने की कोशिश कर रहा था, गोल 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 घूम रहा था बिल्कुल जैसे शक्तिमान घूमता है ना, तो वैसे के वैसे ही। और भाई अभी भी बिल्कुल ही अपन लोग खतरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं है, क्या हुई, क्योंकि अपने आस पास एक और बंदा है, तो उसको भी चलते हैं लथेड़ने के लिए। अरे रे रे गाइस घर के अंदर घुस रहा है, अरे भाई 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 जल्दी से मर जा, खत्म गाइस गाइस। अच्छा वो भाई सभी जल्दी से मर गया, नहीं तो भाई मेरे की बिल्कुल ही हेल्थ तो देखो एक बार मतलब 1 HP छोड़िए और सारी की सारी हेल्थ खा गया, तो अपन लोग जल्दी से हेल्थ किट लगा लेते हैं। और उसके बाद भाई इसी इलाके में सारे के सारे बंदे खत्म हो चुके हैं, तो अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट इलाके में। अपने को सबसे पहले तो अपने थार को उठाना पड़ेगा, उससे पहले बंदे की पेटी लूट लेते हैं। लेवल 2 का टोपा अपने को मिल चुका है, और सामने की तरफ भाई ऊपर आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है, तो भाई ये एयरड्रॉप नीचे की तरफ पटकने वाला है, तो अपन लोग एयरड्रॉप भी लूट लेते हैं, कुछ अच्छी खासी गन मिल जाए तो भाई। अपने को स्नाइपर गन नहीं चाहिए, ऑटो गन चाहिए, ये कौन सी गन मिली देखिए इसके अंदर, देखें देखते हैं। अरे यार गाइस 2 गोलियां आती है इसमें, तो ये तो बहुत ही बेकार गन है, इससे तो अपनी पुरानी गन ही अच्छी है, उसमें पूरी 5 गोलियां आती है, तो इसको छोड़ते हैं भाई साहब, अपनी तो 5 गोलियों वाली गन ही अच्छी है। और सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिख चुका है, तो गाइस अपन लोग जल्दी से अपने ये जो घर दिख रहा है तो उसका कवर ले लेते हैं दीवार का, नहीं तो भाई अपना बंदा कभी भी पार निकाल सकता है। अब कवर लेके उसको बंदा जैसे अपने पास में आएगा तभी अपन लोग उसको लतेड़ देंगे, मस्त प्लान है, उसका गेम बजा देंगे। आजा बेटे आजा आजा, बहुत ही तगड़ी वाली स्ट्रेटजी बना के मारा है गाइस मैंने बिल्कुल ही प्रो बंदों की तरह। और इसकी पेटी में भाई लेवल 3 का टोपा था, और मेरे पास था भाई सब लेवल 2 का, तो भाई बंदा बहुत ही मुश्किल से मरता, लेकिन भाई फाइनली अपन लोगों ने बंदे की धज्जियाँ उड़ा दी है। और गाइस मेरी थार तो देखो एक बार कैसे पार कर रखी है, जिससे हम लोग ऊँचे पैर करके खड़े होते हैं ना, ऊँचे पैर करके लेट जाते हैं कई बार बिस्तर पे, तो भाई वैसे के वैसे खड़ी हुई थी। गाइस गाइस एक मिनट, इस घर के अंदर मेरे को गुजारा गन दिखी थी, देखते हैं। उरी मैया भाई, तब अपने को गुजारा गन मिल चुकी है, अब तो भाई बंदों की खैर नहीं है, देखना मैं कितना खतरनाक वाला लेजर स्प्रे मारूंगा बंदों के ऊपर गुजारा का। अच्छा हाँ, वैसा हेल्थ किट को पटक देते हैं, हेल्थ किट अपने पास बहुत सारे हो रखे हैं गाइस,
लेकिन भाई इसमें भी बिल्कुल ही सर्वाइवल अननोन गेम की तरह ही है, जैसे मतलब जो भी चीज़ उठा ली ना तो उसको दोबारा फेंक नहीं सकते। कोई बात नहीं, अपन लोग फिलहाल बैठ चुके हैं अपनी तार के अंदर, अब चलते हैं भाई सब नेक्स्ट बंदों को ढूंढने के लिए। वो सामने एक तरफ भाई सब फैक्ट्री के पास में मेरे को बहुत ही ज्यादा बंदे दिख चुके हैं, तो यहाँ पे अपनी तार को पार्क करते हैं। पार्क करने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, मैं यहाँ पे पार्क कर ही रहा था तभी एक बंदा मेरी गाड़ी के सामने आ गया और उसका एक ही बार में मैंने गेम बजा दिया, उसको रोन दिया। और गाइस अपन लोग तार को चलाते चलाते बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके हैं यार गाइस। अच्छा तो अपन लोग बिल्कुल ही उठाने वाले हैं अब स्पोर्ट कार, जो कि भाई साहब मेले में जो उस फरारी मिलती है ना तो उसकी तरह इसका साउंड है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अब गाइस मेरे को यहाँ पे पहाड़ बने हुए हैं बहुत ही तगड़े वाले, तो यहाँ पे एक बंदा मिलने वाला है जो कि पहाड़ों की घास को खा रहा था। क्या बात करते हो, और अपन लोग अब उसको गेम बजाने वाले हैं। अरे 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 भाई मेरे बंदे की इतनी ज्यादा फट रही है कि भाई बंदे के मारे कभी तो गाड़ी के अंदर घुस रहे हैं कभी बाहर निकल रहे हैं। तो भाई साहब मैंने उसको इसको थोड़ा आश्वासन दिया, मैंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खेल रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ा प्रो बंदा खेल रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बंदे को अपन लोग लतेड़ देंगे। और फिलहाल भाई साहब इसकी पेटी में अपने को इस कार मिल चुकी है, तो जल्दी से अपन लोग अपनी स्पोर्ट कार को उठाते हैं। सबसे पहले तो भाई मैप के अंदर बंदे देख लेते हैं कि बंदे कहाँ पर है, और उसके बाद चलते हैं बंदों का गेम बजाने के लिए। चलो को लतेड़ लतेड़ के मारना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अपना खौफ खत्म होता जा रहा है भाई साहब इस गेम के अंदर। अच्छा फिलहाल मेरे को आसपास बंदा दिख चुका है। रे 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 रे। ये स्पोर्ट कार भी भाई बहुत ही ज्यादा पलटी मारती है इस गेम के अंदर भाई, गाड़ियां थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बात से पलटी मार जाती है, जैसे मुझे वो खुश हो जाता है छोटी छोटी बात से। अरे रे 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 गाइस 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 अपनी स्पोर्ट कार को छलनी कर दिया है बंदे ने। अब भाई अब इसकी छाती को मैंने बिल्कुल ही फटाके बजा दिए, इसकी छाती के ऊपर सारे के सारे फटाके मैंने बजा दिए। मगर क्यों, क्योंकि वैसे अब दिवाली भी आ रही है ना, दिवाली आ नहीं रही है, चल रही है दिवाली, तो इस वजह से इसकी छाती पे पटाखे फोड़ दिए भाई मैंने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और भाई अपनी स्पोर्ट कार भी बहुत ज्यादा धुआं दे रही है, तो जल्दी से इसको चेंज करते हैं गाइस, और अपन लोग उठाने वाले ब्लैक कलर की स्पोर्ट कार को। और अपन लोग बैठ चुके हैं ब्लैक कलर की स्पोर्ट कार के अंदर, और सामने की तरफ मेरे को एक और तेंदुआ दिख चुका है, और भाई उसको भी एक ही बार में मैंने लतेड़ दिया है। उसकी बॉडी थी ना भाई साहब, तो भी अपनी गाड़ी के साथ घसीटती हुई चली गई। और यहाँ पे अपनी स्पोर्ट कार को रोकते हैं। मगर क्यों, क्योंकि मेरे को एक बंदा दिख चुका है घरों के आसपास, और उसको चलते हैं भाई साहब लथेड़ने के लिए हाईवे के दूसरी तरफ है भाई बंदा, तो जल्दी से चलते हैं गाइस। गाइस एक मिनट भाई, ये यहाँ पे मैंने बहुत ही तगड़ी वाली स्ट्रेटजी बनाई है गाइस। अच्छा। यहाँ पे हम लोग इस दीवार का कवर लेंगे, और जैसे बंदा अपने पास में आएगा वैसे कि उसको लथेड़ देंगे, जैसे अपन लोगों ने पिछली वाली स्ट्रेटजी बनाई थी और वैसे बंदे को मारा था, तो भाई साहब ये इस बंदे को भी अपन लोगों ने वैसे की वैसे वाली स्ट्रेटजी से मारा है। और गाइस गाइस अपन लोगों को बिल्कुल एक और बंदा दिखाई दे रहा है अभी, तो हाईवे के दूसरी तरफ है, तो भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। गाइस मैं दीवार पे छिपने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन भाई छिपा ही नहीं जा रहा, लेकिन भाई अब छिपने का वक्त खत्म हो चुका है, अब आ चुका है भाई युद्ध लड़ने का। अच्छा। तो बंदे का मैंने सुअर भर दिया है, और उसने हेल्थ की बिल्कुल ही अपनी ऐसी की तैसी कर दी है, तो जल्दी से हेल्थ किट लगा लेते हैं। अच्छा हो भाई मेरे पास पूरे 5 हेल्थ किट थे, नहीं तो वैसा बंदा तो अपना गेम बजाता है। गाइस घर के अंदर भी जाने कौन बंदा गोलियां मार रहा है, सामने की तरफ मेरे को हाईवे की तरफ बंदा दिख चुका है। आजा बेटे आजा 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 मोतीचूर के लड्डू खा ले, आजा आजा मिल केक वाली मिठाई खिलाऊंगा तेरे को। और फाइनली बंदे का भी मैंने गेम बजा दिया है, और गाइस अपन लोग दोबारा से थोड़ा हेल्थ लगा लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ के मतलब लास्ट वाला जो जोन होता है ना, तो उसमें तो बहुत ही खतरनाक तरीके से बंदे मारते हैं, मतलब जैसे दूर दूर से हेड शॉट मार देते हैं साले। पबजी में भी नहीं मारते भाई साहब इतने हेड शॉट, तो जितने इस गेम में मारते हैं हेड शॉट, अभी देखना मेरे को लास्ट में एक बंदा हेड शॉट मारेगा जो कितना खतरनाक होगा, वो सीन देखना आप लोग। और फिलहाल भाई साहब मेरे को गार्डन के यहाँ पे एक बंदा दिख चुका है जो कि भाई साहब दूसरे बंदे के ऊपर गोलियां मार रहा है, तो भाई साहब उसका तो मैंने गेम बजा दिया। और घर के अंदर एक और बंदा है, तो अपन लोग उसको आराम से मारने वाले हैं, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा बंदा खतरनाक है। रुक जा बेटे रुक जा, वो बंदा खुद ही घर में से निकल के आएगा गाइस, अभी देखना अपन लोग कैसे उसको लतड़ेंगे। अरे आजा आजा मेरे तेंदुए आजा आजा। गाइस गाइस मेरी कार में गोलियां खत्म हो चुकी है। अच्छा वो भाई मैंने टाइम पे गुजारा उठा ली, नहीं तो बंदा अपनी अभी यहाँ पे पेटी बना देता। ये देख लो गाइस बिल्कुल ही इस कार में अपनी गोलियाँ जीरो हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और अपन लोग यहाँ पे उठा लेते हैं M16 गन को, सबसे पहले तो हेल्थ किट लगा लेते हैं और उसके बाद M16 गन को उठा लेते हैं, क्योंकि भाई सब वो वाली कहावत तो आप लोगों ने सुनी रखी होगी कि ना मामा से तो काना मामा अच्छा, तो वही वाली बात है गाइस। अब अपन लोगों ने यहाँ पे उठा लिया है हेल्थ किट, सब कुछ चीज़ें अपने पास है, और अपन लोगों ने गन भी उठा लिए। अब चलते हैं भाई साहब बंदों का गेम बजाने के लिए। और सामने की तरफ मेरे को एक बंदा जाता हुआ दिख चुका है जो कि घर के आड़ में छिप चुका है अपने डर के मारे, तो अपन लोग चलते हैं उसका गेम बजाने के लिए, बिल्कुल यमराज की तरह उसका प्राणों को हरेंगे गाइस।
अरे रे रे गाइस, घर के पीछे दो बंदे जा चुके हैं, तो एक को तो अपन लोग सबसे पहले यहाँ से लतेड़ देते हैं। रुक जा गाइस, गाइस सीन उल्टा हो गया गाइस, बंदे ने अपने को लतेड़ दिया, उसको अपन लोग लतेड़ने के चक्कर में। तो कोई बात नहीं है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।